हेलो डियर स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू माय चैनल एकेडमी विला। आई एम आशुतोष एंड लेट्स बिगिन टू दिस क्लास। सो आज का जो वीडियो है वो 8th क्लास की जो इंग्लिश की बुक है उसके चैप्टर 3 का क्वेश्चन आंसर के ऊपर है। यानी कि मुझे कुछ रिक्वेस्ट आए थे कि मैं क्वेश्चन आंसर की भी वीडियो पब्लिश करूँ। तो इस वीडियो में मैं चैप्टर 3 जो है, जो कि चैप्टर का नाम जो राजा ड्रीम है, उसके क्वेश्चन आंसर को यहाँ पर लेकर आया हूँ आपके सामने। तो बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ओरली, यानी कि मौखिक रूप से इसको बस आंसर करना होता है, ये ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं होते हैं, तो उससे स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट कंप्लेंट डिड द कोर्टियर्स मेक टू राजा कृष्णचंद्र। मतलब जो कोर्टियर्स थे यानी कि जो दरबारी थे वो राजा कृष्णचंद्र से क्या शिकायत करते थे, है ना। तो आंसर है द कोर्टियर्स ऑफन कंप्लेंट टू राजा कृष्णचंद्र दैट गोपाल लव टू मेक एवरी वन अपीयर लाइक ए फूल। मतलब वो क्या कंप्लेंट शिकायत करते थे कि जो गोपाल है ना वो हमेशा सारे दरबारियों का मजाक उड़ाता है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ डिड कृष्णचंद्र डिसाइडेड टू अम्यूज हिमसेल्फ। इसका मतलब है कि कृष्णचंद्र ने कैसे, मतलब अपने आप को खुश करने के लिए, खुश का मतलब एक तरीके से यहाँ पे अम्यूज का मतलब होता है मन बहलाना, यानी कि अपना मन बहलाने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या निर्णय लिया कृष्णचंद्र ने, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं आंसर क्या है। कि वन डे कृष्णचंद्र डिसाइडेड टू अम्यूज हिमसेल्फ बाय बेटिंग गोपाल। मतलब एक बार की बात है कि कृष्णचंद्र ने अपने आप का मन बहलाने के लिए उन्होंने क्या किया, गोपाल को चुनौती दी इन द सेंस कि एक तरीके से उसकी चुटकी ली, है ना। क्या किया था, आपने चैप्टर पढ़ा ही होगा कि उन्होंने एक सपना दिखाया, सपने में ये था कि वो दोनों सपने में एक साथ जाते हैं, फिर कुआं आता है, दो कुएं होते हैं, एक कुआं अच्छा होता है एक कुआं बुरा होता है, उसमें कुएं में अच्छे वाले कुएं में राजा गिर जाते हैं, ऐसे करके जो चैप्टर था वो आपको याद आ रहा होगा। तो ये एक तरीके से उन्होंने वो अपने आप का मन बहलाने के लिए इस तरीके की एक मनगढ़ंत कहानी रची थी। बेटिंग का मतलब तो एग्जैक्ट होता है कि यही होता है कि चुनौती देना, लेकिन यहाँ पर कुछ इस तरीके का था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये जो थर्ड क्वेश्चन है वो कह रहा है व्हाट डिड राजा टेल गोपाल। मतलब कि राजा ने गोपाल से क्या कहा, ठीक है, पढ़ते हैं। कि राजा ने गोपाल से कहा दैट ही हैड ए स्ट्रेंज ड्रीम इन विच ही एंड गोपाल वेयर गोइंग टू फॉर ए वॉक। मतलब राजा बोलते हैं गोपाल से कि एक अद्भुत सा सपना उनके मतलब रात में आया था उन्हें, जिसमें क्या होता है, वो राजा और गोपाल जो हैं साथ में वॉक पे जाते हैं। चौथा पॉइंट क्वेश्चन पढ़ते हैं, वॉट वेयर द टू पूल्स फिल्ड विथ इन राजा ड्रीम। मतलब राजा के सपने में जो तो दो पॉन्ड्स थे, पूल्स थे, उसमें क्या क्या भरा हुआ था। तो राजा के सपने में जो दो पूल थे वो क्या से, किस चीज़ से भरे हुए थे, यही जानते हैं आंसर में। वन ऑफ द टू पूल्स वॉज फिल्ड विथ खीर मेड अप ऑफ रिच थिक मिल्क एंड द अदर वॉज फिल्ड विथ हॉरिबली स्मेली डंग। यानी कि जो दो पूल्स थे, है ना, जो दो पोखरे टाइप के थे, गड्ढे थे, उसमें क्या भरा हुआ था, एक में जो खीर भरी हुई थी जो कि गाढ़ी मोटी दूध से बनी हुई थी, और दूसरा जो गड्ढा था उसमें बहुत ही गंदी, मतलब डंग मतलब गोबर होता है, गोबर के गड्ढे में गिरा हुआ था, ना। अब आगे क्वेश्चन क्या है, इन विच पूल डिड गोपाल फॉल। मतलब किस गड्ढे में गोपाल गिरा। तो आंसर है कि गोपाल फेल इनसाइड द सेकंड पूल दैट वाज फुल ऑफ हॉरिबली स्मेली डंग। जो गोपाल था वो उस गंदे गोबर के गड्ढे में गिर गया। हुज ड्रीम फिनिश्ड अर्लियर। क्वेश्चन है कि किसका सपना जल्दी ख़त्म हो गया था। तो राजा ड्रीम फिनिश कर लिया, राजा का सपना पहले ख़त्म हो गया था। हु वॉज लिकिंग हुम इन गोपाल्स ड्रीम। मतलब गोपाल के सपने में कौन किसको चाट रहा था, है ना। लिकिंग का मतलब होता है चाटना। तो राजा वॉज लिकिंग गोपाल्स फेस एंड गोपाल वॉज लिकिंग राजाज फेस। मतलब राजा और गोपाल एक दूसरे की फेसेस को चाट रहे थे। क्वेश्चन है ट्रू एंड फॉल्स का। तो क्वेश्चन है कि गोपाल वॉज ए ग्रेट फूल। मतलब क्या गोपाल जो था वो एक मूर्ख इंसान था, बिल्कुल नहीं भाई, तो ये फॉल्स होगा। राजा एक्चुअली हैड ए स्ट्रेंज ड्रीम। मतलब राजा को एक एक्चुअली हैड ए स्ट्रेंज ड्रीम। मतलब इसका मतलब है कि क्या राजा को वास्तव में एक सपना आया था, ऐसा कुछ है ना, अद्भुत कैसा सपना आया था, तो नहीं, बिल्कुल नहीं। राजा तो एक तरीके से उसका मजाक उड़ाना चाहता था ना। तो आगे पढ़ते हैं कि राजा फेल इन द पूल फिल्ड विथ मिल्क। क्या राजा जो था वो दूध से भरे हुए गड्ढे में गिरा था क्या।
तो ट्रू, सही बात है। द कोर्टियर्स मॉक्ड एट गोपाल ऑन हियरिंग राजाज ड्रीम। अच्छा, ऐसा हुआ क्या कि राजा के सपना सुनने के बाद जो कोर्टियर्स, जो कि दरबारी थे, वो गोपाल का उपहास करने लगे? हाँ बिल्कुल, ऐसा हुआ था, ट्रू होगा। राजा पनिश्ड द कोर्टियर्स फॉर लाफिंग एट हिम। जब लास्ट में याद होगा आपको चैप्टर में कि क्या कहते हैं, गोपाल ने जब बोला था कि मैं आपको चाट रहा था, आप मेरे को चाट रहे थे, ऐसा कहने पे ऐसा क्या हुआ था कि राजा ने कोर्टियर्स, यानी कि कोर्टियर्स तो हंसने लगे थे, तो कोर्टियर्स को, जो दरबारी थे, उनको पनिश किया था, ऐसा हुआ था क्या? नहीं, फॉल्स होगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। क्वेश्चन है, व्हाट डिड गोपाल लव डूइंग? तो आंसर है, गोपाल लव्स टू मेक फन ऑफ एवरी कोर्टियर्स इन द कोर्ट। देर वॉज हार्डली एनी वन हु हैड नॉट गेट ट्रोल्ड बाई हिम। मतलब क्या है कि गोपाल का क्वेश्चन था कि व्हाट डिड गोपाल लव डूइंग, मतलब गोपाल को क्या अच्छा लगता था। तो आंसर है कि गोपाल को वहाँ के दरबारियों का मजाक उड़ाने में अच्छा लगता था। मतलब शायद ही ऐसा कोई होगा जिसका उसने मजाक नहीं उड़ाया होगा। क्वेश्चन सेकंड, व्हाट डिड द किंग थिंक ऑन हियरिंग द कोर्टियर्स कंप्लेन? मतलब राजा क्या सोचते थे जब उन्होंने दरबारियों के बहुत सारे कंप्लेन सुने, है ना, शिकायतें सुनी गोपाल के संदर्भ में। आंसर क्या है कि वन डे राजा डिसाइडेड टू अम्यूज हिमसेल्फ बाई बेटिंग गोपाल। वही बात, जब बहुत सारी शिकायतें सुनी उन्होंने दरबारियों की, तो राजा ने एक बार मन बनाया कि उसका उपहास किया जाए, है ना, तो मतलब अपना मन बहलाया जाए। एंड ट्राई टू मेक फन ऑफ गोपाल बाई प्लानिंग ए फिक्सस स्टोरी ऑन हिम इन विच गोपाल वुड बी फूल्ड। फिक्सस मतलब काल्पनिक। तो कैसे, क्या किया राजा ने? उसने तो सोच तो लिया राजा ने किया, अब क्या करेंगे कि उसका, अब मतलब अपना मन बहलाने के लिए राजा कुछ ना कुछ तो करेंगे, बेट करेंगे, यानी कि चुनौती देंगे। और उसके चुनौती किस तरीके का था कि उन्होंने क्या मन में बनाया, उन्होंने किया कि एक प्लान किया, एक काल्पनिक घटना को सोचा, और उन्होंने उसके थ्रू गोपाल का मजाक उड़ाने की सोची। आगे देखिए, व्हाट डिड द पूल लुक लाइक इन विच द किंग फेल? मतलब वो जो गड्ढा जिसमें राजा गिरा, वो किस तरीके का दिखता था? तो आंसर है, द पूल वॉज फुल ऑफ खीर मेड ऑफ रिच थिक मिल्क इन विच किंग फेल डाउन। मतलब वो जो गड्ढा था जिसमें राजा गिरा, वो पूरी तरीके से खीर से भरा हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जो टॉपिक है वो है कि आंसर इज द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 70 वर्ड्स। देखिए इसमें ये मेंशन किया गया कि अप्रॉक्स 70 वर्ड्स के आपके आंसर होना चाहिए। तो मैंने ट्राई किया है कि भले ही कोई क्वेश्चन का आंसर जो है आपको दिखने में आसान लग रहा हो कि वो बहुत छोटा है, लेकिन आपको जब 70 वर्ड्स बोला जा रहा है, तो इसका मतलब आपको कुछ एडिशनल चीज़ें भी लिखनी होती हैं उस क्वेश्चन के रिलेटेड। तो मैंने इसमें कवर किया और मैंने अप्रॉक्स जो आंसर हैं वो 50, 60, 65 वर्ड के आसपास लिखे हैं, तो आपको सहायता मिलेगी उससे। क्वेश्चन पहला पढ़ते हैं कि वॉट हैपन टू द पीपल हु ट्राई टू गेट देयर बैक्स एट गोपाल। मतलब जो लोग, है ना, यानी कि जो दरबारी गोपाल की मजाक उड़ाते थे, उनको, उनका क्या होता था, उनका क्या हश्र होता था। मतलब जो दरबारी थे वो चाहते थे ना कि गोपाल का मजाक उड़ाया जाए, तो होता क्या था देखिए। दोस्त हु ट्राई टू गेट देयर बैक एट गोपाल वेर ऑलवेज एंडेड अप लुकिंग लाइक अटर इडियट्स। मतलब जो जो लोग थे, जो जो दरबारी थे, कभी ट्राई भी किया होगा कि गोपाल का उपहास किया जाए, गोपाल को सबक सिखाया जाए, तो वो हमेशा ही एक इडियट की भांति, यानी कि मूर्ख की भांति निराशा ही हाथ लगी थी उन्हें। इन अदर वर्ड्स वी कैन से, मतलब दूसरी लहजे में हम क्या कह सकते हैं कि दोज हु ट्राई टू मॉक एट गोपाल ऑलवेज फेल इन देयर अटेम्प्ट एंड बिकम ए फिगर ऑफ फन। मतलब उपहास का पात्र बनना, फिगर ऑफ फन में उपहास का पात्र बनना। तो मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि अदर वर्ड्स, मतलब दूसरी भाषा में हम ये कह सकते हैं कि जिन जिन ने गोपाल का उपहास उड़ाने की सोची, तो वो अपने प्रयास में असफल रहे हैं और खुद ही एक मजाक का पात्र बनकर रह गए। और मैंने इसी क्वेश्चन में आगे क्या लिखा है कि वंस राजा ऑल्सो ट्राई टू मेक फन ऑफ गोपाल बट ही ऑल्सो फेल इन दैट एज गोपाल क्लेवरली टर्न अराउंड द बेट ऑन राजा इट्सेल्फ। मतलब कि ये भी बात सही है कि एक बार राजा ने भी तो ट्राई किया था कि उसका मजाक उड़ाया जाए, लेकिन गोपाल जो है वो चतुरता से, मतलब इस चीज़ से बाहर निकला और राजा को ही उल्टे मुंह की खानी पड़ी, है ना। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट वाज द किंग्स ड्रीम डिस्क्राइब? मतलब राजा का क्या सपना था, पूरी तरीके से इसका वर्णन कीजिए।
द किंग ड्रीम दैट ही एंड गोपाल वेंट फॉर अ वॉक एंड दे रीच्ड ए प्लेस वेयर देयर वर टू पूल्स. मतलब राजा ने सपना क्या देखा कि वो और गोपाल एक वॉक पे जाते हैं और एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहाँ पे दो पूल्स हैं. पूल्स का मतलब पॉन्ड्स या फिर गड्ढा. वन ऑफ द पूल वॉज फिल्ड विथ खीर मेड अप ऑफ रिच थिक मिल्क. एक जो गड्ढा था उसमें खीर भरा हुआ था जो कि गाढ़े दूध से बना हुआ था. एंड द अदर पूल वॉज फुल ऑफ हॉरिबली स्मेली डंग. और दूसरा जो गड्ढा था उसमें बहुत ही गंध वाला गोबर का गड्ढा था, है ना. एंड सडनली राजा फेल इन टू द मिल्की पूल एंड गोपाल फेल इन टू द रॉटिंग मग. तो यही सपना था जिसमें कि लास्ट में राजा जो है खीर वाले गड्ढे में गिर जाता है और गोपाल जो गंदे गोबर के गड्ढे में गिर जाता है. तीसरा क्वेश्चन, व्हाट डिड गोपाल से ऑन हियरिंग द किंग्स ड्रीम. मतलब जब राजा का सपना सुना तो गोपाल ने क्या बोला, क्वेश्चन ये था. ठीक है, आंसर पढ़ते हैं. आफ्टर हियरिंग द किंग्स ड्रीम गोपाल सेड दैट ही हैड ऑल्सो द सेम ड्रीम बट माई ड्रीम फिनिश अर्लियर. कहने का मतलब है कि मतलब यहाँ पे माई नहीं होगा बट योर होगा. मतलब गोपाल ने कहा कि उसको भी सेम सपना आया था बट योर ड्रीम फिनिश्ड अर्लियर. गोपाल ने राजा से बोला कि उनका सपना पहले. तो हुआ क्या कि जो गोपाल ने बोला कि उसका सपना देर तक चला. मतलब राजा का सपना पहले ख़त्म हो गया और गोपाल का सपना ज़्यादा देर तक चला. और आगे उसने बताया कि ही सेड दैट दे कम आउट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव पूल्स. राजा कवर्ड इन खीर एंड ही वाज कवर्ड इन मक. मतलब उसने बोला कि राजा जो था और जो गोपाल था वो अपने अपने गड्ढे से बाहर आए और राजा खीर में लथपथ था और जो गोपाल था वो गोबर से सना हुआ था. देन ही एडेड फर्दर दैट राजा स्टार्टेड लिकिंग हिम एंड ही वाज लिकिंग टू राजा इन ऑर्डर टू क्लीन इच अदर. फिर वो उसने बताया कि सपना तो राजा का ख़त्म हो गया था लेकिन मेरा सपना लंबा था तो इसलिए मैंने देखा कि राजा जो है वो मुझे साफ़ करने के लिए चाट रहे हैं और मैं उनको साफ़ करने के लिए चाट रहा हूँ. तो ऐसे करके उसने अपना राजा के सपने के बारे में बताया. आगे, स्केच द कैरेक्टर ऑफ गोपाल द जेस्टर. जेस्टर मतलब विदूषक होता है और उसके बारे में मैंने यहाँ पे बताया है. देखिए हमें बताना है कि गोपाल का कैरेक्टर कैसा था एज अ विदूषक. तो आंसर है, एज वी नो दैट जेस्टर मीन्स अ प्रोफेशनल जोकर एट मेडिवल कोर्ट्स, है ना. एज वी नो दैट जेस्टर का मतलब क्या होता है कि एक प्रोफेशनल जोकर, मेडिवल मतलब मिडिल एज के जो कोर्ट्स हुआ करते थे उस समय में जेस्टर का मतलब होता था विदूषक जो कि एक प्रोफेशनल जोकर हुआ करते थे कोर्ट्स में. सो अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर, सो इस चैप्टर के अनुसार वी कैन सी दैट गोपाल वॉज अ वेरी क्लेवर जेस्टर. तो हम ये कह सकते हैं गोपाल जो था बहुत ही चतुर जेस्टर था, विदूषक था, हु लव टू मेक एवरी वन अपीयर लाइक ए फूल, जो कि दूसरों का मजाक उड़ाने के का शौकीन था. ही वॉज सो स्मार्ट दैन इवन राजा फेल टू टीच हिम ए लेसन. और वो इतना स्मार्ट था, उतना तेज था कि वो राजा जो उसको सबक सिखाना चाहते थे उनको भी मात देती उसने. चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं. कैन यू गेस द किंग्स फीलिंग एट गोपाल्स रिप्लाई. व्हाट यू डू डू इफ समवन रिप्लाइड यू इन दैट मैनर. तो आपको याद होगा कि जब गोपाल ने लास्ट में ये बात रिप्लाई करी थी, ये सारी चीज़ें कि आपको मैं चाट रहा था, मेरे को आप चाट रहे थे, तो इस पर जाहिर सी बात है राजा को गुस्सा आना चाहिए, है ना. लेकिन तो क्वेश्चन में यही है कि कैन यू गेस द किंग्स फीलिंग. क्या आप राजा की फीलिंग उस समय की समझ सकते हो, क्या आप अनुमान लगा सकते हो जब गोपाल ने रिप्लाई किया था तो. और आगे क्वेश्चन में क्या बोलता है कि व्हाट वुड यू डू इफ समवन रिप्लाइड यू इन दैट मैनर. मतलब उसी तरीके से अगर आपको कोई अगर रिप्लाई करता है तो आपके मन में क्या उठता है ना, क्या आप सोचते हो, तो वो आंसर में लिखना है. तो पढ़ते हैं, कैन यू गेस. तो हाँ, हम गेस कर सकते हैं. येस, अकॉर्डिंग टू द कंसर्न कंटेक्सट आई कैन सी दैट द राजा वॉज इन गुड मूड. मतलब कंसर्न कंटेक्सट का मतलब होता है जिसके बारे में बात की जा रही है, जिस चैप्टर के बारे में बात की जा रही है उसके अनुसार मैं ये कह सकता हूँ कि राजा वॉज इन गुड मूड. राजा अच्छे मिजाज में था, दैट्स वाई इंस्टीड ऑफ गेटिंग एंग्री. मतलब इंस्टीड मतलब के बदले में, मतलब इसी वजह से राजा अच्छे मूड में था, इस वजह से क्या हुआ, गुस्सा होने के बजाय ऑन हिज रिप्लाई, मतलब गोपाल के रिप्लाई करने पे गुस्सा होने के बजाय राजा हैड ए गुड लाफ ऑन गोपाल स्वीट. राजा गोपाल की चतुराई पर, बुद्धिमानी पर हंसे. वीट मतलब बुद्धिमानी, चतुराई.
अब बात ये आती है कि वॉट वुड यू डू, अगर आप अगर उस जगह पे होते हैं, आपको वैसा रिप्लाई मिलता है तो आप क्या करते हैं? तो उसका आंसर है, इफ़ समवन रिप्लाइड मी इन दैट मैनर, अगर मेरे को कोई ऐसा रिप्लाई करता तो क्या होता? दो तरीके से मैंने इसको लिया है। एक, अगर इंसान अगर सामने में राजा की जगह कोई गुस्सैल इंसान होता तो वो क्या करता? देन पर्सन विथ हाई टेम्परामेंट, टेम्परामेंट हाई टेम्परामेंट मतलब गुस्सैल आदमी जिसको गुस्सा जल्दी आता है, तो वो अगर वो रिप्लाई सुनता तो क्या होता? विथ हाई टेम्परामेंट वुड स्कॉल्ड हिम और गेट एंग्री ऑन गोपाल, मतलब गोपाल पे गुस्सा होता, उसे डांटता फटकारता। अब दूसरा केस लेते हैं जब एक नॉर्मल इंसान होता है, वो क्या करता? बट इफ़ देर वॉज ए नॉर्मल पर्सन देन ही वुड नॉट माइंड ऑन गोपाल्स रिप्लाई, तो अगर कोई नॉर्मल पर्सन होता जैसे कि राजा ने किया तो वो गोपाल पे गुस्सा नहीं होता, क्योंकि उसको पता है कि लेखक जैसे कि जो राजा है वो भी उपहास करना चाह रहा था और उसको गुस्से होने की तो ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो गोपाल जो है अपनी चतुराई से राजा को मात दे दिया। तो ऐसे करके क्वेश्चन ख़त्म होता है। अब आगे देखते हैं, ये वर्ड स्टडी से रिलेटेड है, फिल इन द ब्लैंक्स था तो मैंने इसको आंसर सारे यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में जो ब्लैंक्स हैं उसमें लिख दिए हैं। तो गोपाल वॉज अ डैश इन द राजाज कोर्ट, तो जेस्टर, गोपाल क्या था भाई? राजा के दरबार में एक जेस्टर था, विदूषक था। राजा ड्रीम्ड दैट गोपाल फेल इन टू द पूल ऑफ हॉरिबली स्मेल डंग, मतलब राजा ने ये सपना देखा था कि गोपाल जो है गंदे गोबर के गड्ढे में गिर गया था। तो आपको बस यहाँ से उठाना है और यहाँ प्लेस करना है, तो आपको लिखना है यहीं पे। ऑन हियरिंग राजाज ड्रीम द कोर्टियर्स बर्स्ट आउट लाफिंग, मतलब राजा के सपने सुनने के बाद जो दरबारी थे वो हंसने लगे। गोपाल हैड ए लॉन्गर ड्रीम, मतलब गोपाल का जो सपना था वो लंबा था। गोपाल एंड द किंग वेर लिकिंग ईच अदर इन ऑर्डर टू क्लियर देमसेल्फ, मतलब गोपाल और राजा एक दूसरे को चाट रहे थे ताकि वो एक दूसरे को साफ कर पाएँ। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आंसर का जो टॉपिक था, जो वीडियो था, ये यहाँ पे एंड होता है। और चैप्टर 3 का जो राजा ड्रीम था, मैं आशा करता हूँ आपको समझा पाया होंगे इसका क्वेश्चन आंसर। अगर इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी इशू है प्लीज़ कमेंट करें और मेरे से पूछें, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।